So let us start. Fundamental theorem on limit have some property, that is, let x be a real variable and fx and phi x are two single valued functions of x, then limit x tends to a c fx is equal to c ko bahar nikal do, limit x tends to a fx, aur c kya hai, constant hai, clear hai? प्रॉपर्टी क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर नॉट सर? कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है ना, यही है? यस, कांस्टेंट को बाहर निकाल देना है। हेलो सर, एक बार फर्स्ट लाइन को रिपीट कीजिए सर, हम लोग लेट से ज्वाइन किए हैं दूसरा क्लास। हाँ, लिमिट, यस सर, लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है? देयर आर फाइव फॉर्मूला, तो दैट इज किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर तुम्हारे इस फॉर्म में दिया हुआ प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू ए सी एफ एक्स, उसमें हम लोग कॉन्स्टेंट सी जो है बाहर निकाल देंगे और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का निकालेंगे, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी लिमिट टू ए एफ एक्स प्लस माइनस आई एक्स, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर नॉट? सर हेलो सर, बोलो सर, फाई क्या है यहाँ पर? फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक, फंक्शन है फाई एक्स, फंक्शन है, ठीक है, ओके सर। और उसके बाद देखो तीसरा देखो, एज ए मल्टीप्लीकेशन में इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स फाई एक्स को लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटो लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई फाई एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए फाई एक्स, होवर लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो ना? ये तुम्हारा जीरो नहीं होना पड़ेगा, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो होने से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो मतलब कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए ना सर? हाँ, यस यस। फिफ्थ प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स फाई एफ एक्स इक्वल टू फाई इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो देयर आर फाइव प्रॉपर्टी फॉर सर, फाइव कांस्टेंट है क्या सर यहाँ पर? दोनों फंक्शन है, अब दो इंडिविजुअल फंक्शन एक साथ रहेगा तो उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो फंक्शन, ये जो कुछ टर्म है, ठीक है, उसको फाइव के अंदर में है, ठीक है, इसलिए फाइव को बाहर निकाल दे, पहले इसको सॉल्व करोगे उसके बाद फाइव के साथ काम होगा, समझ रहे हो ना? यही बात है, इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट। अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करने के लिए देयर आर फोर कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड वन फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड वन इज रैशनलाइज मेथड, फोर्थ वन इज मेथड ऑफ इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इनफाइनाइट, ठीक है। देयर आर फोर कैटेगरी टू इवेल्युएट द अलजेब्रिक लिमिट, ठीक है। फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होगा, अगर कंसिडर द फॉलोइंग लिमिट, लिमिट पर दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स और दिया लिमिट एक्स टेंस टू ए फाई एक्स और फाई एक्स, है ना, ये दिया हुआ है, उस टाइम में क्या होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो तो एक्स इक्वल टू ए पुट कर, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा, इसका लिमिट क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए पुट कर देगा तो क्या होगा, ये होगा एग्जिस्ट, ओके। एंड फिक्स्ड रियल नंबर, माने जो भी वैल्यू निकलेगा वो रियल नंबर निकलेगा, समझ रहे हो ना? देन वी से दैट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू फाइव ए और लिमिट एक्स टेंस टू एफ, ये होगा, क्लियर और नॉट?
डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूट मेथड, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में आओ, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स प्लस थ्री, ये दिया क्वेश्चन एज गिवेन, तो वी सॉल्व इट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड। सो वी हैव एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू टू पुट हियर, पुट इट, तो क्या होगा देखो, क्लियर नॉट, बोलो क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर, ओके, यस सर। नेक्स्ट इज इवेलुएट लिमिट एक्स टेंस टू ए, इसको देखो, इसको सॉल्व करना है ना, एज ए सिमिलर वे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, एक्स इक्वल टू जीरो वी हैव, क्लियर नॉट सर, टू बाय वन आ रहा है सर, यस सर, टू सर, ठीक है, क्लियर है सर, नेक्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होगा, कंसीडर द लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, ये तो दिया हुआ फंक्शन दिया हुआ है, उस टाइम दैट टाइम्स बाय सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू, अगर एक्स इक्वल टू ए पुट किया जाए तो एफ एक्स बाई जी एक्स रेड्यूसेस टू द फॉर्म ऑफ जीरो बाई जीरो, ठीक है, जीरो बाई जीरो का फॉर्म में आ जाएगा, जीरो बाई जीरो का फॉर्म में हो जाएगा तो वो तुम्हारा लिमिट का सोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है, That times we have सर जीरो बाय जीरो कैसे होगा सर, अगर कोई फंक्शन को दिया हुआ है एफ एक्स और जी एक्स दिया है, एक्स इक्वल टू ए पुट किया जाए, एक्स इक्वल टू ए पुट कर दो सर, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तब ना सर जीरो बाय जीरो होगा, नहीं देखो एफ एक्स तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना, एफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है और जी एक्स भी कुछ भी हो सकता है, दैट इज ए फंक्शन, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए मतलब कि बोल रहा है कि पॉइंट बोल रहा है, एक्स इक्वल टू दैट इज पॉइंट, उस पॉइंट में एफ एक्स भी जीरो हो जाएगा और जी एक्स भी जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो बाय जीरो, ठीक है, दैट टाइम्स वी हैव एक्स माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स और जी एक्स बोथ, उस टाइम एक्स माइनस ए फैक्टर का फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, तो उसको कैंसिल कर देंगे हम लोग और सोल्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो सोल्यूशन, एग्जाम्पल देखो, इवेलुएट द लिमिट एक्स टेंस टू टू इक्वल टू दिस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस फोर, हियर व्हेन एक्स इक्वल टू टू पुट कर दो, एक्स इक्वल टू टू द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या होगा बोलो, जीरो बाई जीरो होगा, यस सर, यस सर, सॉल्व करने में सर जीरो बाय जीरो होगा कि नहीं, यस सर होगा, तो दैट टाइम्स वी यूज द फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोले होगा, तो ये जो क्वेश्चन तो दिया हुआ, ठीक है, ये तुम देख रहे हो स्क्वायर रूट में दिया हुआ, नो सर, ठीक है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो इसको देखो फैक्टर करो तो ये मिलेगा, ऊपर का फैक्टर करने से मिलेगा और नीचे का जो फैक्टर है इसको करोगे तो ये मिलेगा, मिला कि नहीं मिलेगा बोलो, यस सर, फैक्टर करने से मिलेगा, मिला कि नहीं बोलो, यस सर, यस सर, यस सर, एक्स माइनस टू कैंसिल थ्रू आउट, ठीक है, दैट टाइम्स वी हैव एक्स इक्वल टू टू इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू, क्लियर नॉट, यस सर, आप यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू एक्स इक्वल टू टू, वी हैव देखो यस सर माइनस वन बाय फोर आया सर, इधर है, यस सर, नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज सिमिलर वे we let evaluate limit x tends to a x cube minus 1 by x minus 1, here as a similar way when x equal to 2 1 we have the expression
एज्यूम द इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ 0/0 0/0 का फॉर्म आ जाएगा देखो x = 1 पुट करते 0/0 होगा बोलो यस सर तो वी हियर वी फैक्टराइज फॉर्म ये मिलेगा फैक्टर करने से मिला कि नहीं यस सर यस Here we have. ठीक है? वीडियो रुक गया है सर आपका. Yes, sir. Rationalized method. Next topic is rationalized method. Okay. Here, this particularly used when either a numerator or denominator or both involves expression consisting of square root. मतलब square root में रहेगा. ठीक है. And substituting the values of x, the rational expression takes the form 0/0 and infinite. एक्सेट्रा ठीक है स्क्वायर रूट में रहेगा लेकिन वो एक्स का रूट 0 पुट ए पुट कर दिया पॉइंट ठीक है तो उस टाइम में क्या होगा इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आएगा ठीक है ये एक्सप्रेशन दिया हुआ देखो इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए ये दिया हुआ है दिया है तो यहाँ पर x को 0 पुट करो तो वी हैव द 0 हो जाएगा ना सर आप बोलो 0 हो जाएगा ना सर हाँ ठीक है देखो x को 0 पुट कर दो यस सर ठीक है सर 0 बाय 0 होगा 0 हो जाएगा यस सर 0 बाय 0 हो गया तो इसको हम लोग रैशनलाइज का फॉर्मेट तोड़ेंगे तो रैशनलाइज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हेलो सर एक क्वेश्चन था सर आप लो हाँ सर बोल रहे हैं जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि इसको रेशनलाइज करने अगर जीरो से ये पूरा 0/0 हो जाएगा तभी इसको रेशनलाइज फॉर्म में रखेंगे छोड़ देंगे उसको अगर 0/0 नहीं हुआ तो कुछ लिखेंगे उसके बदला देखो लिमिट का कंडीशन है एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड ठीक है अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो उसमें लिमिट तो वैल्यू तो आ ही जाता है ठीक है अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो उसमें 0/0 का फॉर्म आएगा तो सोल्यूशन तो नहीं हुआ ना 0/0 मतलब अनडिटरमाइंड फॉर्म ठीक है तो उस टाइम में हम लोग क्या फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो आप स्क्वायर रूट क्वेश्चन तो दिया हुआ है स्क्वायर रूट में दिया हुआ है ठीक है स्क्वायर रूट में दिया हुआ है तो इस यहाँ पर तो हम लोग फैक्टर का फैक्टराइज मेथड नहीं लगा सकते हैं ना फैक्टर कैसे करोगे तुम इसको इसलिए हम लोग रैशनलाइज करते रहे देखो यह माइनस है प्लस से ऊपर नीचे गुणा कर दो है ना तब यहां पर तुमको ये मिलेगा मिलेगा यस सर अब ये मिलेगा देखो यस सर यस सर एक्स एक्स कैंसिल सर आफ्टर दैट एक्स का वैल्यू पुट हुआ है ना सर एक्स का वैल्यू पुट कर दिए लास्ट में एक्स का वैल्यू पुट किए सर राइट ठीक है सर सही है सर Next question, evaluate the limit x tends to 0 equal to x by square root of a plus x minus square root of a minus x. We have here not the call x equal to 0, the expression takes the form 0/0.
Yes, sir. It is, the expression is in the form of 0 by 0. Yes, sir. Yes. Next, with a standardized method. Dekho. Yes, sir. Rationalize kar diye, sir. Isko. Here minus tha to udhar plus plus na, sir. Yes. ठीक है सर. अब देखो. ठीक है सर. अब देखो. ठीक है सर. x plus 2x. यस सर. ठीक है सर. ये ठीक है. यस सर. यस सर. ये ठीक है. यस सर. x x काट दिया. यस सर. ये ठीक है. यस सर. यस सर. x का वैल्यू पुट किए है ना सर. x का वैल्यू पुट किए है ना. यस. नेक्स्ट इज फोर्थ मेथड इज इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट. ठीक है. दैट टाइम्स we have the theorem, we have the theorem, if n tends to q, then limit x tends to a, x to the power n by a to the power n divided by x minus a is equal to n into a k power n minus 1. ठीक है. ये फॉर्मूला होता है, थ्योरम होता है. अगर लिमिट का फॉर्म तुम्हारा इस फॉर्म में रहे, दैट टाइम्स वैल्यूज ऑफ लिमिट we have n equal n into a k power n minus 1. Either not. ये theorem है. आप बोलेंगे इसका proof कैसे होता, वो तो theorem होता ही है. लेकिन उसका proof तो जाना पड़ेगा ना कि formula कैसे निकल रहा है. अगर formula ना समझ पाओगे तो तुम formula भी बनाए बना पाओगे. इधर की नहीं बोलो. Clear sir. Clear. Yes sir. ये तो derivation का formula है ना sir. Derivative का. Sir बताए थे उन लोगों को. सर ये n into a to the power n minus 1 सर. हाँ फिजिक्स में सर बताए थे लेकिन सर प्रूफ जाना पड़ेगा ना. ये प्रूफ नहीं सर. यस सर. प्रूफ अगर ना समझोगे तो प्रॉब्लम कैसे बनाओगे. समझ रहे हो ना. यस सर. तो प्रूफ में आते हैं हम लोग. इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं. बोलो. लिख सकते हैं. बोलो. यस सर. लिख सकते हैं. यस सर. और राइट हैंड लिमिट से that is the right hand limit x tends to a plus we have put x equal to a plus h therefore limit h tends to 0 is equal to a milega. Idhar ke nahi bolo. Yes sir. Ye kidhar hai. Yes sir. A to the power n. Yes sir. Anyone student? Clear sir. Clear sir. ये clear है? Yes sir. ये clear है? Yes sir.
ये किधर है? सर इटो नहीं समझ में आया सर। हाँ इसको एक बार बताइए सर। नॉट क्लियर सर। ये दिखा दे रहा? यस सर। ये यस सर। वन प्लस एक्स के पावर एन दैट इज बाइनोमियल थ्योरम वी हैव। वन प्लस एक्स के पावर एन का बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पर? एच बाई ए है। वन प्लस एन एक्स, एक्स मतलब एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वही लिखे हैं प्लस अब तो सोन सो और यहाँ पर माइनस वन तो ऑलरेडी है ठीक है और एच तो एच बी तुम्हारा ऑलरेडी है सो और माइनस वन कैंसल आउट सो वी हैव द टर्म एच एन इंटू एच बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस अप टू सो एंड सो अकॉर्डिंग टू दैट लाइन्स एच विल बी कॉमन एच विल बी कॉमन सो वी हैव एन बाई ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टर टू बाई एच बाई ए स्क्वायर किधर नॉट प्लस अप टू सो एंड सो बाई एच डिवाइड बाई एच एच ऑलरेडी हैव किधर नॉट बोलो। यस सर क्लियर सर। एच कैंसिल हो जाएगा देखो ठीक है एच कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर देखो ये मिलेगा बोलो। यस सर यस सर एच कैंसिल के बाद मिल गया सर। ये मिलेगा? यस सर। ये फॉर्मूला पढ़े हो क्या? नो सर। सर लास्ट लाइन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। कौन ला बोलो? सर लास्ट वाला सर। ये जो ये है सर वही वाला। यस सर। ऐसे को जीरो पुट करो। Evaluate the limit x tends to 2 equal to x के पावर 10 minus 10 24 divided by x minus 2 ये दिया हुआ है ठीक है क्वेश्चन दिया हुआ है। When x equal to 2 the expression 0 by 0 we have clear not? Yes sir. Yes sir. समझ गए थी समझ गए ये समझे? यस सर। सर ऊपर जो फॉर्मूला है प्रूफ किया वही इसमें यूज किया ना सर? हाँ एक का वैल्यू क्या बा एक का वैल्यू क्या है बोलो? टू है। एक्स के पावर एन एन मतलब टेन माइनस एक के पावर एन एन मतलब टेन ठीक है डिवाइड बाई एक्स माइनस ए मतलब टू तो क्या फॉर्मूला के एन इंटू एक्स के पावर एन एन इंटू ए के पावर एन माइनस वन तो एन वी हैव टेन और ए हैव टू टू ए के पावर एन माइनस वन एन इज टेन माइनस वन सो वी हैव ठीक है यस सर ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव देखो
यस सर, क्लियर सर, क्लियर क्लियर है सर। यस सर, एकदम फॉर्मूला लगा के। यस सर, यस सर, x टेंड्स टू 2 सर। यस सर, ये किधर है? दोनों यस सर, यस सर, दोनों को x माइनस 2 से डिवाइड कर दो। सर व्हाई यू डिवाइड x बाय 2? बिकॉज़ द फॉर्मूला ऑफ समझ रहे हो? फॉर्मूला क्या है सर? x टू पावर n माइनस a टू पावर n डिवाइड बाय x माइनस 1, x माइनस a। So here we divide numerator denominator x minus 2. देखो। Oh yes sir, yes sir, yes sir, yes sir। आप देखो। Yes sir, yes sir, yes sir। मुझे प्रॉपर्टी लिखे ना, कौन प्रॉपर्टी बोलो तो? प्रॉपर्टी वी हैव देखो, सर हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ यहाँ देखो, जब प्रॉपर्टी 3 दिखा दिए ना, प्रॉपर्टी 3 के आधार पर इसको लिखे है ना, देखो। हेलो सर, इसका क्वेश्चन दिखाइए। तो क्वेश्चन तो बनाया हुआ है, थोड़ा सा दिखाइए ना स्क्रीन। 3 नंबर का प्रॉपर्टी के आधार पे सर, यह सब जो ऊपर आप बताए थे। हाँ उसी प्रॉपर्टी के आधार प्रॉब्लम दिखा रहे ना। यस सर, 2 इनटू 2 द पावर 9 बाय 2 द पावर 4 माइनस सर। यस सर, सीन सर, ठीक है। इसको देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे? सब्स्टिट्यूशन से होगा क्या सर? हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे सॉल्व। यस देखो, सब्स्टिट्यूट कर दो, ये कर दिए। यहाँ पर एक्स माइनस ए वी है, ठीक है, एक्स माइनस ए को ब्रेक कर दिए इस तरह से। Where x plus 2 equal to y, y or a plus 2 equal to b, so that's why limit will be changed, limit that y tends to p ho jayega aur ye milega tumko, dekho। yes sir, yes sir, agar hum a plus 2 ko b mante hain to aa jayega sir, aa jayega na? yes sir, ye milega। यस सर, यस, प्रॉपर्टी से मिल जाएगा सर। समझ गए? यस सर, वी गॉट इट। यस सर, सर वाई कहाँ गया सर? हाँ वाई कहाँ गया सर? वाई का वैल्यू, वाई का वैल्यू क्या? वाई को एक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या दिया हुआ? वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस टू दिया हुआ है सर, कि हम लोग माने मान लिए, मान लिया डायरेक्ट फॉर्मूला में
फॉर्मूला में चेंज हो गया ना, फॉर्मूला में चेंज हो गया तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। अरे b क्या, b फॉर b, b इज a प्लस टू, सो राइट हियर b इक्वल टू a प्लस टू, इधर की नहीं? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया सर, यस सर, इधर है ये टॉपिक? यस सर। अच्छा पढ़ने से अच्छा लगा, नोट्स भेज दीजिएगा सर, इसका भेज देंगे हम, क्या बोल तुमने इसको पढ़? यस सर, इसको पढ़े थे क्या बोले सर? तुम लोग इसको पहले रिवी माने पहले पढ़ चुके हो क्या? नो सर, नहीं पढ़े हैं। आप पिछला क्लास में भी सर, आप पिछला क्लास में शुरू मतलब ये क्लास में लिमिट शुरू करवाए तो ऊपर में समझाए ना सर, इससे पहले भी आप पढ़ाए सर। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही है ना? यस सर, थैंक यू सो मच सर।